Grind it, oh, 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 no need to move it faster. I am your snake charmer, boy. Just keep on moving, baby. I just want you to play. Twist it and grind it proper. I am your snake charmer, boy. Once upon a time, राजाओं का जीवन कैसा होता था ये मैंने हिस्ट्री बुक में पढ़ा था और अब उन्हीं राजाओं की तरह जिंदगी जी रहा हूं मैं। A piece of advice, सारे ऐश आराम के साथ जिंदगी को भरपूर जीना चाहता हूं मैं। मेरे लिए दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू doesn't really matter। ताकत जिसके पास होती है वो बादशाह बन सकता है। बादशाहों जैसे सुखों को भोगा है मैंने। बादशाह यानी राजा की तरह ही राज करना मेरी जिंदगी का मकसद है और उसे पाने के लिए मैं किसी हद को पार कर सकता हूं। असल में ताकत और हुकूमत के साथ रहना ही जिंदगी है। एक बात और बताता हूं, जब बारिश आती है तो पंछी अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन बास बादलों के ऊपर हिम्मत से उड़ता रहता है। मैं वो बास हूं। दुनिया को गुमराह करने के लिए मैंने अपना नाम बदलकर आदित्य रख लिया है और अब मैं इसी नाम से चमकना चाहता हूं। सुनो, सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए? बस थोड़ी देर में हो जाएगा सर। हिसाब किताब पूरा करके पैसा लेकर घर पहुंचा। ओके सर। हाँ चलो। आंखें खोल बे। ए, ए, इधर देख, तू ही है ना ये? हाँ सर। तेरा नाम क्या है? पैसा लेकर घर पहुंचना चाहिए था ना? हाँ सर। अपने कार में चढ़े बिना रोड क्रॉस करके दूसरी साइड में गया, पैसा किसको दिया बता, जल्दी बताओ। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे मत मारिए सर। मैं पार्किंग में आकर स्मोक कर रहा था, उसके बाद इतना याद है सर। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? सच बता, पैसा तूने ही लिया है ना? अगर तूने पैसा नहीं लिया तो रिकॉर्डिंग में कैसे दिखा? ए, गाड़ी निकाल।
बोल मत मारिए सर। किधर है पैसा? बोल बोल बोल। सर मैं रेडी हूँ। कान से हाथ हटाकर बात कर बे। सर अरे हटा। सर सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। Guys, get to the base. Morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. ये क्या है? पब्लिक की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसा इलीगल काम करते हो तुम? इसके बाद डीएसपी बनने वाले हो? बेमतलब में क्यों अपना नाम ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हो? ओके सर। इस इशू को कैसे हैंडल करना जानते हो? हैंडल इट। यस सर। विक्रम गुड जॉब। ए विक्रम कैसे हो भाई? बहुत गुस्से में हूँ। माँ कहाँ है? मेरा राजा बेटा कैसा है तू? कहाँ जा रही हो तुम? अरे माँ से इस तरह बात करते हैं क्या? तो किस तरह से बात करते? बचपन से सुन रहा हूँ पराए घर जाने वाली है, पराए घर जाने वाली है, कह कह के इसे लाड़ प्यार से खिलाती पिलाती रहती हो। सोचा था शादी के बाद इसे खिलाओगी पिलाओगी, लेकिन तुम तो दिल्ली आकर इसके साथ ही बस गयी। अरे अभी ये पेट से है, इसकी देखभाल तो मुझे ही करनी पड़ेगी। क्या माँ, इसके पीछे क्यों पड़ी हो? चलो इधर आओ। अरे तुम सुनो तो सही, कहाँ लेकर जा रही हो माँ को? मैंने तेरे लिए बिरयानी बना के रखी है, ले खा ले। मुझे तो बिरयानी खिलाकर बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन पापा को बेवकूफ नहीं बना सकती। वो तुमसे बहुत नाराज है। कौन? तेरे पापा नाराज है मेरे ऊपर? माँ क्यों जी, तुम भी लो।
सुना है तुम मुझसे बहुत नाराज हो, सच है क्या? किसने बोला? इसने कहा। किसने? मैं यहाँ आपके सपोर्ट में बात कर रहा हूँ और आप बिरयानी के मजे ले रहे हैं। नहीं बेटा, मैं गुस्से में था। बिरयानी देखते ही आप पिघल गए। तो बिरयानी खाकर तो देख। पहले निकल लीजिए फिर बात कीजिए पापा। तेरी माँ ने देखी लड़की तेरे लिए, वो बोलती है कि बिरयानी खाऊंगा तभी फोटो दिखाएगी। वो लड़की महालक्ष्मी जैसी दिखती है, ऐसी तेरी माँ मुझसे बोल रही थी। लड़की? एक हाफ प्लेट और खा लेता हूँ तब सबके साथ देख लूंगा, तू बैठ ना। बिरयानी खाएगा? नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। आप फोटो के बारे में बात कर रहे थे ना, वो किसके पास? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे? तो फिर कितने बजे? ठीक है, इसको महालक्ष्मी की फोटो दिखाओ। फोटो देखनी है ब्रदर? तो पहले मुझे दीदी बोलो। ए, अरे बेटे को ज्यादा मत सता, तू रहना देना। ये ले देख, इसका नाम है महालक्ष्मी और देखने में भी महालक्ष्मी लगती है ना। कोई मजेदार ब्रांड है क्या? हाँ मैडम, जबरदस्त अंग्रेजी दारू है, 90, 100, 120, बोलो आपको कौन सा लेना है? इनमें से कौन सा वाला पावरफुल है? पावरफुल वो देखो, वैसा पावरफुल चलेगा क्या? अरे मैं पाप को जला के नाश कर दूंगा, उड़ा दूंगा, तोड़ दूंगा। तो फिर ये 90 मारो। एक पानी तो मिक्स कर लेती। हे भगवान, सारी बोतल पी जाएगी क्या? अरे राम, ये ज्यादा हो जाएगी। ए सत्या। हे, हाय ब्रो। हाय। क्या यार, कैसी चेकिंग चल रही है? ये तो रोज का काम है, और अपना काम ही क्या है, मेन रोड पे ड्यूटी देते हैं। यहाँ लफंगे भी तो बहुत है ना, उधर देखिए। अच्छा ये सब छोड़िए, सुना है माँ ने आपके लिए लड़की देखी है? हाँ यार, और उस लड़की का नाम महालक्ष्मी। फोटो देखनी है? हाँ दिखाई। ए, पी रखी है क्या? ना ना, सच्ची में नहीं पी है। ए हवलदार, इसे मीटर लगा के जरा चेक करना। हाँ सर करता हूँ। और इसकी गाड़ी साइड पर लगा। हाँ लगाता हूँ सर। ए तुम इधर रुको। कहाँ? हाँ यहाँ पर। यहाँ ठीक है, रुको इसमें। ठीक है, भूख बोल रहा हूँ मैं। क्या ये क्या है? पकड़ इसे, भूख इसमें। अरे भूखने को बोल रहा है तो खींच रही है। मैं जूस समझ रही थी। ये जूस लग रहा है तुझे, भूख मार। सर मजा आया फूट। सर ये तो जल गया सर। जाओ उधर बैठो। पता नहीं कहां से इतना फीकर आई। सत्या जाने देना, कितनी इनोसेंट लग रही है। अरे सर आपको इनोसेंट लग रही है, बहुत चालू है ये। स्मेल आ रही है ना। तो मैं क्या करूं, इसे सुनकर खाई हुई बिरयानी बाहर निकाल दूं क्या? मैंने सुना है पेरू खाने से स्मेल नहीं आती है। पेरू खाने से स्मेल नहीं आएगा क्या? मैंने तो ऐसा ही सुना था। बेवकूफ पीपल। ओ पुलिस गार्ड, सिर्फ 40 मिनट्स बचे, उतनी देर में नशा भी चला जाएगा। आई वॉन्ट टू गो होम। चुपचाप जाकर बैठ जा, नहीं तो केस बनाकर अंदर डाल दूंगा। अच्छा, डालोगे क्या? डालो, अभी डालो, डालो, डालो जी, डालो। छोड़ो, ध्यान मत दो। ए, 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 क्या कर रही है? ए, बताया तुम्हें कल मुझे कोई देखने आने वाला है, पर मैं उसे देखना नहीं चाहती। कुछ ऐसा करो कि वो मुझे देखते ही मना कर दे। और ये फोटो कल सुबह के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छपनी चाहिए, उसके बाद भी वो मुझे देखने आएंगे क्या? चलो पकड़ो मुझे, पकड़ो, जेल में डालो, चलो ले चलो मुझे, चलो।
तो ये सारा ड्रामा इसके लिए। ए हवलदार, ये लड़की बहुत चालू है, फॉरेंसिक लैब वालों को बुलाओ। ए सत्या, ये जरूरी है क्या? अरे सर, आप इस लड़की को सपोर्ट क्यों कर रहे हो? वो माँ ने जो लड़की देखी है वो यही है यार। ओ तो महालक्ष्मी के पीने का कारण आप ही हो। अच्छा चलो सर, मुझे तो लगता है इसका प्यार व्यार का चक्कर है, आप तो निकलिए यहाँ से। देख वो सब मैं देख लूंगा, तू एक काम कर, लड़की की बाइक को पुलिस स्टेशन पहुँचा दे, मैं इसे घर पे ड्रॉप कर दूंगा। मुझे जेल जाना है प्लीज। बाहर आओ। कहाँ? जेल? हाँ जेल ही जाना है, आओ। तुम भी पुलिस हो? हैंडसम पुलिस। पीने के बाद भी इतना समझ में आ रहा है? बाहर निकलो। चलती हूँ भाई, जेल में मिलते हैं। थैंक यू पुलिस, सॉरी सॉरी पुलिस, बाय। हमें छोड़ कर मत जा दोस्त, फोन नहीं लगेगा तेरे बिना। ए चल हट बे बेबड़े। क्या पिया है तुमने? 90 रुपए की मारी है, तू भी मार के देख, जबरदस्त पावर आएगा। उसके बाद तू भी लेफ्ट मारेगा राइट मारेगा, 2 मिनट में घर पहुंच जाएगा। सुनो परेशानी क्या है तुम्हारी? तुम उस लड़के से शादी क्यों नहीं करना चाहते? मैंने उसे अभी तक देखा ही नहीं है। क्यों? तुम किसी से लव करती हो क्या? क्या कहा? प्यार? किसी से प्यार करके शादी करने का तो मेरा पता है तुम्हें एम्बिशन है, लेकिन मैं किसी से प्यार करूं और उसे शादी करूं, ये मेरे माँ बाप करने देंगे क्या? हाँ पर क्यों नहीं करने देंगे? मेरे पापा हैं, आर्मी के कैप्टन, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जानते हो क्या? टॉर्चर करते हैं। मैं इतनी सी थी, मुझे अपने पास रखने के बजाय दूर स्कूल भेज दिया था। मुझे सेकंड लैंग्वेज हिंदी लेनी थी तो बोले तुझे फ्रेंच लेना होगा। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, वो इंजीनियर बनने को बोले। मेरी लाइफ में मेरा कुछ नहीं है, सब वही डिसाइड करते हैं। मेरे लिए लड़का भी वही देख रहे हैं, लेकिन मैं उनकी पसंद से शादी क्यों करूं? इसका जवाब मुझे चाहिए, इसलिए मैं सीधा जाकर उनसे बोलूंगी, पापा मैं आपकी पसंद से शादी क्यों करूं? हाँ मैं सीधा सीधा उनसे बोलूंगी, योर आर्मी आपके पसंद किए हुए लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती। ओके, मुझे जो लड़का पसंद आएगा उससे बहुत सारा प्यार करके सोच समझ के उससे शादी करूंगी। मैंने तो सोच लिया है कि मैं उनसे फेस टू फेस इसके बारे में बोल दूंगी, फर्स्ट टाइम पी है मैंने, पर तुम्हारे पास अटक गई और मेरा प्लान चौपट हो गया। तुम्हारे पापा ने जो लड़का पसंद किया है वही तुम्हें पसंद आ जाए तो? कैसे पसंद आएगा? मैंने उसे अब तक देखा भी नहीं है, उसे पसंद करके शादी कैसे कर लूं? अच्छा मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा होगा क्या? क्या मतलब? दारू पीने के बाद साइड डिश भी नहीं खाई मैंने, भूख लगी है मुझे। तुम क्या राजकरण की फैन हो? क्यों नहीं, वो इतने अच्छे से खा रही हो ना इसलिए। कुछ तो मिस हो रहा है ना? कुल्फी। चीयर्स। अच्छा तुम्हारा बर्थडे कब है? 10 सितंबर। वाओ, एक नंबर। वही मैं सोचूं, एक पुलिस वाला, रफ एंड टफ बॉडी वाला, मुझसे इतना लविंग एंड केयरिंग कैसे बिहेव कर रहा है? तुम मेरा नंबर जानते हो? मेरा नंबर 2 है, तुम सूर्य मैं चंद्र, तुम 1 नंबर और मैं 2 नंबर, पता है दोनों बहुत लकी होते हैं। हो, तुम न्यूमेरोलॉजी जानती हो क्या? यू नो व्हाट, जो 1 और 2 नंबर वाले होते हैं मोस्टली क्लोज फ्रेंड्स साबित होते हैं। तो फिर आज से हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं? क्यों? ए, 1 नंबर 2 नंबर सूर्य और चंद्र तुम्ही ने कहा था ना? हाँ ऐसा, ठीक है फ्रेंड्स। पुलिस वाले, हे भगवान,
तुमने तो कहा था तुम मुझे जेल ले जा रहे हो, पर तुम तो मुझे मेरे ही घर ले आए। अरे मेरा तो सारा नशा ही उतर गया, अब मैं उस मिलिट्री वाले के पास जाकर क्या करूंगी? शांत हो जाओ, टेंशन क्यों ले रही हो? तुम सुकून से जाके सो जाओ, मैं सब संभालूंगा। आर्मी पुलिस, पुलिस वाला कह रहा है वो आर्मी को संभालेगा, करेक्ट? तुम ऐसा करो, तुम अंदर जाओ और मेरे पापा से कहो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ओके? और ये भी कहना कि मैं इसी से शादी करूंगा, ठीक है? तुम्हें छोड़कर अगर कोई दूसरा मुझे देखेगा तो तुम मेरे मुंह पे एसिड फेंक दोगे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कहना कि तुम लड़के के चेहरे पे एसिड फेंक दोगे, हाँ ऐसा ही बोलना, तब तो वो पक्का डर जाएंगे। हाँ चलो चलो। ए, रुको रुको रुको, कल आने वाला है ना, तो मैं भी तुम्हें देखने कल आऊंगा, ठीक है? मैं वहाँ पर आऊंगा, सबके सामने कहूंगा कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक है ना? सुपर आइडिया। लेकिन तुम पक्का आओगे ना? ओके बाय। ए, 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 फोन दो, अपना फोन दो। हाँ, फोन दो ना। ये मेरा नंबर है, कल शाम तुम 5 बजे आ जाना। हाँ ओके। यस सर, गुड नाइट पुलिस सर। हिम्मत के साथ पापा से बात करेगी ऐसा बोली थी मुझे, पर तूने पुलिस वालों से पंगा लेकर सारा प्लान बर्बाद कर दिया। अब क्या करने वाली है तू? तू टेंशन मत ले, वो जरूर आएगा। मामा जी नहीं आए क्या? बस आता ही होगा। ओ अच्छा अच्छा। वो तो फोन कट कर रहा है। तू फिर से ट्राई करना। फोन स्विच ऑफ कर दिया। तो फिर पक्का तुझे यही दूल्हा मिलेगा। बैठो बेटी, जैसा नाम है वैसे ही महालक्ष्मी जैसी दिखती हो, है ना? लड़की अच्छी है ना? इसकी सूरत तो देखो कितनी अजीब है। अंदर आओ ना, तुम डरो मत, वहाँ बैठो, आओ ना अंदर, अपना ही घर समझो, बैठो आओ। क्या हो रहा है? पता नहीं, शुरू करो। क्या हूँ? कुछ नहीं। बोलो ना, चलो। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हुआ। मुझे भी नहीं आ रहा। बेटी मेरा बेटा तुम्हें पसंद आया ना? कैसी बात कर रही है, इतना अच्छा लड़का आखिर इसे पसंद क्यों नहीं आया? पसंद आया। आपने जो लड़का देखा वो मुझे नहीं पसंद आया। सुनो आर्मी, मुझे ये वाला लड़का पसंद है, मैं इसी लड़के से प्यार करती हूँ, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। ए, फोटो तो ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देखा तूने इसे, हमें बेवकूफ बना रहा था। नहीं, तू इसको पहले से जानता था ना? तुमको कुछ बताया था? अरे महा बेटी, तुमको देखने के लिए आने वाला लड़का यही तो था। मैं अकेले में आपसे कुछ बात कहां मर गई। महा, कल आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप ही वो लड़के हैं? हाँ बता सकता था, लेकिन कल तुम बताने की हालत में नहीं थी इसलिए नहीं बताया। ऐसी बात है, ठीक है, अब जाके बोल दीजिए मुझे लड़की पसंद नहीं। मैं क्यों बोलूं? मैंने तो तुम्हें फोटो देखते ही पसंद कर लिया था, कल तुम ही ने कहा था ना कि जिससे भी शादी करूंगी उससे लव करूंगी। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि वो खुशनसीब मैं ही होऊंगा, और पहली नजर में तुम मुझे पसंद आ गई थी। जब तुमने अपने पापा से कहा कि तुम मुझे लव करती हो तो वो मुझे बिल्कुल सच लगा, पर अब लगता है कि तुम्हारे पास जो प्यार है वो मुझे मिल जाए, और मेरे दिल में जो प्यार भरा है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पर इसके लिए तुम्हें कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो बेहिचक जाकर अपने पापा से कह सकती हो। क्या सोच रही हो, जाकर बोल दो। बोल तो सकती हूँ, पर ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि ना बोलूं। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आपको इतना टॉर्चर किया फिर भी आप शांत थे, आपकी आंखों में झूठ नहीं है,
जब भी आपकी आंखों में देखती हूँ क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद सर सारे अकाउंट क्लोज कर दिए, कैश भी तिजोरी में रख दिया। अच्छा ठीक है, चलता हूँ सर। इन सभी मेडिसिन को कंटिन्यू करो। क्यों यार, तुम तो अच्छे पोस्ट पर हो ना, हाँ? अब तुम्हें वीआरएस लेकर चुपचाप घर पे बैठ जाना चाहिए। क्यों अपने दुश्मन बने हो तुम? मैंने भी कितनी बार कहा अंकल, डिस्चार्ज होने के बाद पापा को वीआरएस दिलवाना है। ये काम तो पहले करो, ये पूरा बैंक अपने सर पर लेकर के नाच रहा है अकेला। ए, टेक रेस्ट एंड टेक केयर। तुम लोग टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, फिक्र मत करो। सर जॉन आओ, आओ जॉन है पापा। हेलो सर। आओ बोलो सर, आप पापा कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है जॉन, शाम को डिस्चार्ज हो जाएंगे। तुम बताओ क्या बात है? सर आपके पापा के बैंक से ही कल पैसों की चोरी हुई है। क्या? कैसे चोरी हो गया? फोन दो, मेरी शर्ट दो, मैं जा रहा हूँ। पापा मुझे जाना, आप रिलैक्स हो जाइए। मैं देखता हूँ, सीरियसली मत लीजिए, मैं हूँ ना। शांत रहिए अंकल, क्या यार यहाँ सबके सामने क्यों बोल दिया बाहर? सर रुकिए, मैं जाना चाहता हूँ। चोरी का इल्जाम आपके पिताजी पर है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या चोरी का इल्जाम मुझ पे? आपके पिताजी को हमें कस्टडी में लेना होगा। मैंने चोरी नहीं की। फोन दो विक्रम, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने चोरी नहीं की, नहीं विक्रम, मैंने पैसा नहीं लिया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। पापा मैं बात कर रहा हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, इन्हें संभालो माँ। सर प्लीज, तुम लोग मानते क्यों नहीं? सीसीटीवी का फुल रिकॉर्ड है, आप भी अपने पिताजी को लेकर आएंगे तो ठीक रहेगा। विक्रम, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ बेटा, ये सब गलत है। पापा कुछ भी नहीं हुआ है, आप सबर रखिए। जॉन पहले इस फुटेज को वेरीफाई करने के लिए भेजो। कर लिया है सर, यही ओरिजिनल है सर। क्या ये लोग गलत हैं बेटा, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे कोई चोरी नहीं की बेटा। आप बैठिए, मैं बात कर लूंगा, प्लीज बैठिए। जॉन सर जरा बाहर आओ। जॉन पापा ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अभी कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा टाइम दो प्लीज। क्यों टाइम चाहिए तुम्हें? हमने किसी शक के आधार पे कंप्लेन नहीं की है, तुमारे पापा के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास। इसको लेकर क्या बकवास कर रहा है? इसे मेरे सामने से लेकर जाओ। मेरे पापा के बारे में बकवास कर रहा है, जानता नहीं है तू मुझे? चलिए प्लीज प्लीज सर, मैं समझ सकता हूँ सर, बट आप भी मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए सर। आप भी जानते हैं आपके पिताजी को हमें कस्टडी में लेना होगा। कस्टडी? व्हाट? आई एम असिस्टेंट कमिश्नर मैन, I know how to deal this. मैं कमिश्नर से खुद बात कर लूंगा। सॉरी सर, कमिश्नर सर ने कहा है इस केस में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, आपको तो सारे रूल्स पता है ना सर। अभी सर पैसों का प्रॉब्लम है, अगर वो पैसा मिल गया तो पापा को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा सर। सच्चाई जानने के लिए पापा को अरेस्ट करना ही पड़ेगा सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर।
का जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको कैसे बचाऊंगा? बेटा, क्या तुम भी मुझे चोर समझ रहे हो? तुम मुझे अरेस्ट करो या नहीं, यही सोच रहे हो? बेटा, मैं बेगुनाह हूँ। सब पैसा आपके पापा ने ही लिया। हमारे पापा के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। मैंने कोई पैसा नहीं लिया बेटा, मैंने कोई गलती नहीं की बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। बाहर मीडिया वाले हैं सर, इनका फेस कवर कर दीजिए। विक्रम, वो मैं नहीं बेटा, मेरी बात मानो, वो कोई और है, वो कोई मेरा हम शक्ल है। सर, उस दिन मैं जज्बातों में बह गया था, सो आई एम रियली सॉरी। अभी भी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये केस पूरा होने तक सीसीटीवी फुटेज मीडिया के सामने मत लाइए। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। 15 दिन दे सकता हूँ मैं। यारो यारो देखो जाने की, सबसे कह दो मैनेजर साहब एक बैग के साथ बाहर आए थे। बाहर जिसने हार न मानी वो है जिंदा। जब आपने पापा उनके छूले आसमां परिंदा। सर, वो यहाँ पर बेहोश पड़े थे। ओ हौसला कर, न हो कुछ भी मुश्किल, मिले एक दिन एक दिन एक दिन मंजिल। तुम्हारी माँ कुछ गलत तो नहीं सोचेंगी? तुम घर जाओ। आज से मैं इसी घर में रहूंगी। मैं उन लोगों को बोल के आ चुकी हूँ कि मेरा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं। सर, आपके पापा की कॉल डिटेल्स मैच कर ली गई है। बैंक अकाउंट एंड फंड ट्रांजैक्शन भी चेक कर लिया सर, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। 100% बात कुछ और है सर। स्टॉप करो, यहाँ थोड़ा रिवर्स करो। प्ले बॉस। सत्या, ये पापा की बॉडी लैंग्वेज नहीं सर, है। पिछले महीने मैंने एक ऐसा ही वीडियो देखा था सर, वो भी ऐसा ही केस था सर। उस फुटेज को भी दिखाओ। इस केस को कौन डील कर रहा है? आज या हो कल, जो होना है हो के रहे, वक्त के संग तू चल, फिर शायद ही वक्त मिले। तू सिंघम है सिंघम, अब तोड़ दे खामोशी। तू सिंघम है सिंघम, अब तोड़ दे खामोशी। किसी को तू चाहे उसे बस में कर ले, किसी के लिए जी किसी पे तू मर ले। चिलम की कोई किचन है तो एक काम कर, जिले में जितने भी कार सर्विस सेंटर है वहाँ पर इस चिलम वाले ड्राइंग को भेजो। वहाँ कोई भी ऐसी कार आए जिसमें ऐसा किचन लटका हो तो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक शाम को 6:25 पर पापा पैसे के साथ बाहर आए थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ उस बैंक तक आने के लिए कुल मिलाकर 5 रास्ते हैं। 4 रोड सिग्नल, LNT सिग्नल, मेगा मार्ट सिग्नल, पेडी रोड सिग्नल, उर्वी रोड सिग्नल, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ठीक उसी तरह से ज्वेलरी शॉप तक आने के लिए भी 4 रास्ते हैं। बावली स्टेशन सिग्नल, अंबती स्टेट सिग्नल, मीनाक्षी थिएटर सिग्नल, पंडिचा, इन सारे एरिया के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी सीडी मुझे चाहिए। बैंक का 5:30 से 7:30 तक का फुटेज और ज्वेलरी शॉप का 9:30 से 11 तक का फुटेज प्ले कर। ओ हौसला कर, न हो कुछ भी मुश्किल, मिले एक दिन एक दिन एक दिन मंजिल।
सर आपने जैसा कहा था वैसे चिलम की चैन लटकी हुई है, वो मर्सिडीज कार है, कार का नंबर TN10X8055। ब्लैक कलर की है? हाँ सर। इस कार के ओनर की डिटेल मुझे फौरन चाहिए। ब्रिटिश टाइम का दौर चल रहा था। तमिलनाडु में राज करने वाला एक राजा था मारा वर्मन। उस राजा के वंश का अंतिम वारिस था आदित्य। उसका पूरा नाम था आदित्य वर्मन। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद राजशाही खत्म हो गई। इन लोगों का सारा खजाना इंडियन गवर्नमेंट ने ले लिया। उसमें आदित्य की सारी संपत्ति चली गई। जो बचा था उसमें सिर्फ रहने के लिए घर और थोड़ी सी सरकार की दी हुई प्रॉपर्टी थी। राजतंत्र का अंत होने के बाद भी आदित्य का बाप वैसे ही जी रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉपर्टी अय्याशी और शराब में उड़ा दी थी। जब सारा परिवार बीच रस्ते में आ गया तो आदित्य के पिता ने सदमे से सुसाइड कर लिया। उस समय आदित्य की उम्र लगभग 13 साल थी, इसलिए उसे चिल्ड्रन होम में भर्ती करा दिया। हमारे आश्रम में लाए थे उसे सर, 2 दिन तक वो यहीं रहा, उसने कुछ नहीं खाया। अब मुझे नीचे जाके लाना पड़ेगा, ऐसा रोब जमाता था। थोड़े दिन वो यहाँ रहा, अब फिर यहाँ से भाग गया। वो मेरी ही कंपनी में काम करता था सर, अच्छा दिखता था सर, गोरा चिट्ठा था, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था सर। फॉरेन टूर पे मैंने उसे लगा दिया था और बहुत कमाता था। फॉरेनर्स के साथ ही 5-स्टार होटल में रहना, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर शराब, ड्रग्स और लड़कियों का शौक, सारी ऐश वो करता था सर, एकदम खुल करके। वो एक फॉरेनर रूम में मिला था, वहाँ उससे मेरी दोस्ती हुई थी। उस समय मुझे वो छोटी छोटी मूर्तियाँ और सामान लाकर देता था। अचानक एक दिन फेक सर्टिफिकेट दिखाकर उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। कॉल टैक्सी वाले को बुलाओ क्या सर? ठीक है, बुलाओ बुलाओ। मैं तुम्हारी चीजों को अपने पास रख लेता हूँ। सर आप बहुत जेंटलमैन लग रहे हैं सर। ठीक है सर, वो एक फॉरनर को रूम में मिला था, वहाँ उससे मेरी दोस्ती हुई थी। उस समय वो मुझे छोटी मोटी मूर्तियों और सामान लाकर देता था सर। अचानक एक दिन फेक सर्टिफिकेट रेडी किए थे उसने सर, उन सर्टिफिकेट को दिखाकर कॉलेज ज्वाइन कर लिया था उसने सर। सर सर वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता था सर, वो अलग ही आदमी था लेकिन बहुत दिमाग वाला था सर। वो हर समय की भाषा जानता है सर, लेकिन 6 महीने के बाद उसने काम पे आना बंद कर दिया सर। वो छोटी छोटी चोरियां करने वाला लड़का इन 6 महीनों में बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया। सर व्हाट यू वांट? 2 shots of lemon and mix both of these with a pinch of salt. Sir, can I top up? I will have water, sir. Okay, sir. Arre Anna. Hi bro, can I join you? Thanks bro. Bro, तुम तो टाइट हो गए यार, बोलो तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा दूं क्या? Come on. सर कैश की जगह कार्ड रखा है सर। एक्सक्यूज मी, लाइटर प्लीज। ब्रो आर यू ओके? मेरे लिए भी कॉल टैक्सी बुलाने जा रहा हूँ क्या? सर सर सॉरी सर। रिलैक्स रिलैक्स। ओके सर। कितने सालों से?
सर यहाँ तो जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तभी तो चलेगा ना सर। चाहिए क्या? मेरे पास है सर। ये कुछ और है सर। मैंने इसे ही पीकर शुरुआत की थी। अभी आप इस धंधे में नए हैं ना, हम तो पुराने हो गए हैं सर। ऐसा क्या है सर? पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है या नहीं, लेकिन इसका एक कश मारेंगे ना, डायरेक्ट डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे। इसका अलग ही लेवल है सर। ऐसा क्या देगा मुझे? ये बहुत कॉस्टली है। कितना? बहुत कॉस्टली, 50,000 रुपीज की सर। ये कॉस्टली है सर? कंफर्म है ना? सीरियसली बोल रहे ना? तो मुझे भी एक सर। ओके पार्टनर। थैंक यू सर। सर 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 आगे थोड़ा लेफ्ट में रोक लीजिए। हाँ यही सर। ब्रो, हाय ब्रो। ये आजकल दिखते नहीं क्या? ये नई कार ली है क्या? है क्या? कितना ब्रो? टू क्या? थैंक्स। तुम्हारा फ्रेंड है क्या? हाय ब्रो। कौन है? क्या बात है, तूने तो कमाल कर दिया। ठीक है, ये अपना पैसा पकड़ो। It's confirmed. Numbers are matched. प्यार का चक्कर है क्या? मुझे लॉ सूट नहीं करता सर। एक हो तो अलग बात है, यहाँ तो बहुत सारी। सर यही रोक दीजिए सर। कैसा लग रहा है सर? बहुत मजा आ रहा है, कुछ करने का दिल कर रहा है। करेंगे ना सर। ये क्या अंग्रेजी गाना लगा रखा है? कोई हिंदी गाना लगाइए ना सर। और हो गया, घर चले गया। सर बहुत भूख लगी है, कुछ खा कर चलते हैं। सर चलिए कुछ खा के चलते हैं। इतनी महंगी गाड़ी रखता है और इंस्टॉलमेंट का बिल 110 रुपए का। सर आप नशे में भी बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। मुझे नशे में ही साफ दिखता है। वाह, बड़ा ऊंचा लेवल है आपका। मैं तो जरा सा नशा करता हूँ तो लड़क जाता हूँ। ये उधर देखो कुछ है। फास्ट फास्ट सर सर थोड़ा गाड़ी रोकिए सर। किस लिए? अर्जेंट सर। यही क्या? हाँ यही रोकिए सर, प्लीज सर।
सर आइए सर, लोकेशन का मजा लीजिए ना सर, फील कीजिए। उले में कौन करता है? गाना गाइए सर, हो जाएगा। ये तो आ जाएगा लेकिन मुझे गाना नहीं आएगा। गाइए ना सर। अरे तो क्या गाऊं मैं? अमिताभ बच्चन का गाना गाइए ना, जहाँ ये तेरी नजर है मेरी जान मुझे खबर है, मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सके कोई यहाँ, बच ना सके कोई यहाँ, जहाँ ये तेरी नजर है, ये तेरी नजर है, मेरी जान मुझे खबर है, मेरी जान मुझको खबर है, जहाँ ये तेरी नजर है, तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे खबर है, मुझको खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है, तेरी ये नजर है, जहाँ तेरी ये नजर है, मेरी जान मुझे खबर है। तेरा ध्यान किधर है? ध्यान किधर? मेरी जान मुझे खबर है, ध्यान किधर? सर मेरा गाड़ी चलाने का बहुत मन कर रहा है, चलाओ। चलाओ पार्टनर, चलाओ। पार्टनर क्या बात गई। पार्टनर, आपका घर आ गया। थैंक्स पार्टनर। अंदर चलेगा क्या? एक एक ड्रिंक लेंगे। ऐसे क्या देख रहा है? आज के बाद जेल ही तेरा घर है। जाओ ना, अरेस्ट है। ये सारा पैसा वही है जो इसने बैंक से लूटा था। भोले बनकर दोस्ती का नाटक करने वाले दुश्मन, दोस्त बनकर पेट में चूरा भोंकने वालों से सामने से मुकाबला करने वाला सादा हिम्मत वाला होता है। ये मैंने नहीं, लोकमान तिलक ने कहा था। टेक हिम इन। तूने मुझे पकड़ने के लिए मुझसे दोस्ती की थी ना? कुछ ही दिन पहले गहनों की दुकान लूटी गई थी और उसके बाद बैंक को लूटा गया। दोनों ही मामलों को अंजाम देने वाला एक ही आरोपी है और वो आरोपी पुलिस के हाथ लग गया है, जिसका नाम है आदित्य। बहुत दिनों से पुलिस इसकी खोज कर रही थी। इसके पास से करोड़ों का रुपया बरामद हुआ है। कमिश्नर से मैं बात कर लूंगा, तुम लोग दूसरी फॉर्मेलिटीज पर ध्यान दो, मैं शाम को आकर मिलता हूँ। श्योर विक्रम। थैंक यू पापा। तुम गलत मत समझना बेटा, कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारी बहन के घर चला जाता हूँ। वैसे भी लोग मुझे यहाँ चोर की ही नजर से देखते हैं ना बेटा। पापा आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है बेटा। ठीक है पापा। बेटी अपना ख्याल रखना। ठीक है अंकल, चलता हूँ। सर रेड मारने पर ये सब उसके घर से मिला। सत्या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से उनको बुलाओ जो इसके बारे में जानते हैं। ओके सर। प्रसाद। यस सर। इन सबको एविडेंस रूम में मत रखना, इन्हें किसी सेफ रूम में रखना। ओके सर।
जो कुछ भी तुझसे पूछूंगी अगर उसका सही सही जवाब देगा तो तू बच जाएगा, नहीं तो। ए, क्या देख रहा है, क्या देख रहे तू? सीधे सीधे तू बताता है या तोड़ू तेरी हड्डी बसली? कभी कहती हो तोड़ोगे, कभी कहती हो फोड़ोगे, करोगे कभी ऐसा। ए, क्या मक रहा है? इसने कुछ बताया क्या? नहीं सर। ज्वेलरी शॉप की लूट और बैंक की लूट तुम्हारा ही काम है, ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो। सिर्फ एक ही बात जाननी बाकी है, बैंक से पैसे निकलवाने में तुमने पापा का इस्तेमाल कैसे किया? क्या कहा? बैंक से जो पैसे निकाल कर लाए वो तेरा बाप था? अरे बेवकूफों, इसीलिए मुझे यहाँ पकड़ कर रखा है क्या? इसके बाप का चुराया पैसा मेरी गाड़ी में डालकर मुझ जैसे बेगुनाह को पकड़वा दिया। सर, सर, बैंक में सीसीटीवी तो होगा सर, उस फुटेज को निकाल कर हम देख सकते हैं कि पैसे किसने निकाले हैं सर। बोलिए सर, मैंने सही बोला ना? वो फुटेज कहाँ है? फुटेज ए, सीसीटीवी फुटेज जहाँ है बिल्कुल सेफ है, पर तेरी गाड़ी में जो पैसा बरामद हुआ है न्यूज में वही दिखाया जाएगा। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच सच बता तूने उनसे ये काम कैसे करवाया, बता। सर औकात से ज्यादा बोल रहा है ये प्रसाद। ए, दो बड़े बात कर रहे हैं ना, चल दारुला बार। ए, चुप, घर पे चढ़ते जा रहा है। क्या यार तुझे मारना था, मुझे तेरे कुत्ते क्यों मारना? ए! ए! आदित्य, गुस्से में होश खोने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है? गलत सोच रहा है तो देखना है, अगले 10 मिनट में सब मरने वाले हैं। इनके मरने के बाद हम बात करेंगे, और आते समय अपने बाप का वो सीसीटीवी फुटेज भी साथ लेकर आ जाना जो तूने छुपा कर रखा। सर रुके, सर छोड़िए ना, डर के मारे भौंक रहा है सर। सर आप आइए, चलिए प्रसाद। जाना गुड मॉर्निंग प्रोफेसर चेरियन, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। प्लीज बैठिए। थैंक यू। बोलिए सर, अभी हाल ही में एक आदित्य नाम के आदमी को अरेस्ट किया गया है। वो 6 महीने पहले हमारे स्पेशल प्रोजेक्ट की टीम में से एक था। अच्छा। पिल्लानिमालाई में मुर्गन की मूर्ति को अष्ट धातु से बनाने वाला बोगन शिल्पकार था, और उस शिल्पकार को आत्मसिद्धि के श्लोक की पूरी जानकारी थी। लोहे को सोने में बदलने का खास फार्मूला, और अदृश्य होकर हर बार यहाँ से वहाँ जगह बदलते रहना, ऐसी आत्मसिद्धि का राज एक तामपत्र में लिखा हुआ है, और आज भी लोग विश्वास करते हैं। सर, उस बोगन का और आदित्य का इस केस से क्या संबंध है? सर, बोगन के बारे में सब कुछ जान लेंगे तो इस आदित्य के केस के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो सब समझ में आ जाएगा। ओके। उस तामपत्र को ढूंढने के लिए हम लोगों ने पहाड़ के नीचे कैंप लगाए थे। अरे नदीम सर, आदित्य कहाँ है? 2 दिन से काम पे नहीं आया। अचानक आदित्य का पैसे वाला बनना और बैंक और ज्वेलरी शॉप से पैसे गायब होना, ये सब कुछ मिला के देखे तो ये आत्मसिद्धि का ही फल है, और ये शक्ति आदित्य को मिला है। और ताम्र पत्र के असर से ही ये हो रहा है, और वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब वो कोई साधारण आदमी नहीं है सर। ए, तू चुटकी क्यों बजा रहा है? जानता नहीं तू कहां है? ये बेल्ट देख रहा है, मुझे इसे निकालने पे मजबूर मत कर। उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिद्धि प्राप्त है उसे। ऐसी कौन सी सिद्धि? दुनिया के 64 कलाओं में से 52वीं कला है प्रज्ञा प्रवेश्यम।
प्रज्ञा प्रवेश से ही एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं, जिसे कहते हैं बॉडी स्वैपिंग। इस कला में कोई भी अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में डाल सकता है। जब दूसरे शरीर से उसकी आत्मा बाहर जाएगी, तभी इसकी आत्मा उसमें प्रवेश कर जाएगी। और फिर उसकी आत्मा दूसरे के शरीर में, यही है प्रज्ञा प्रवेश। ये ओके है पार्टनर, लेकिन बेचारा वो पार्टनर, मैंने कुछ नहीं किया पार्टनर, ऐसा क्यों सोच रहा है पार्टनर? पूछ इससे, पूछ नहीं तो ये बोलेगी कि मैं इससे प्यार करता हूँ। चलिए बाहर बाहर जाओ। सर सत्या ने प्रसाद को मार दिया। What? सर प्लीज इमीडिएटली आप इंटरोगेशन रूम में आइए सर। हाँ ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। सॉरी सर, एक अर्जेंट मैटर है। प्रसाद को क्यों मारा तूने? पार्टनर, वो बारमैन मेरे लिए शराब लेकर नहीं आया पार्टनर। ये सब क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है तू? बताता है या नहीं? बताता हूँ पार्टनर, बताता हूँ पार्टनर, बता। बताता हूँ, वो बैंक लूटने वाला तुम्हारा बाप था। विक्रम, विक्रम बोलो इसे। विक्रम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उसकी पल्स चल रही है? ये सब पल्स चल रही है सर। कॉल द एम्बुलेंस। यस सर। ए वन मिनट, तुम्हारे पापा को बचाने का एक ही एविडेंस बचा है और वो ये है, उसे भी मारना चाहते हो?
शाम तक सारे एविडेंस क्लियर हो जाएंगे। सर आज शाम तक मुझे हराल में रिपोर्ट दो। ओके सर। ओके। हाँ विक्रम, हाँ आदित्य जैसा दिखता है वो उतना साधारण आदमी नहीं है। He has some magical powers। ये आप क्या कह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसके पास इधर से उधर जाने की शक्ति है। इधर से उधर होने की शक्ति, ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ हाँ, शुरुआत में मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर चेरियन मुझसे मिलने आए थे। पल्लानी में रहने वाला बोगन शिल्पकार रिसर्च में उनके साथ था। उसके लिए वो एक टीम सेट करके पल्लानी गया। उनकी टीम के साथ आदित्य भी तामपत्री ढूंढ रहा था, बट वो तामपत्री किसी को नहीं मिली। अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब मिलाकर देखें तो वो तामपत्री आदित्य के हाथ लग गई होगी, ऐसा शक हो रहा है। ज्वेलरी शॉप में चोरी और बैंक से पैसा लूटना और तुम्हारे पापा के साथ हादसा, ये सब मिलाकर देखें तो मुझे चेरियन की बात पर यकीन हो रहा है। तो ऐसा कीजिए सर, पुलिस वालों को बर्खास्त करके चार तांत्रिकों को ले आइए, उन्हें काम पर लगा दीजिए, सारे क्रिमिनल पकड़ जाएंगे। प्रोफेसर ने जो कहा वो अंधविश्वास है, पर सत्या प्रसाद का कत्ल क्यों करेगा? उनकी पर्सनल दुश्मनी हो सकती है। पर्सनल दुश्मनी? हाँ सर, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको पता नहीं है। मैं इसकी डिटेल में इंक्वायरी करके आपके पास रिपोर्ट भेज देता हूँ। ओके। उस प्रोफेसर के साथ तुझे भी ढकेल देता हूँ। हेलो प्रोफेसर चेरियन। सर मैं चेरियन सर की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। सर प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिल्ली गए हैं। और वो वापस कब आएंगे मैडम? सर वो एक दो दिन में आ जाएंगे। आने दो आने दो, दो दिन की ही तो बात है, आने दो। सर आपने बुलाया क्या? Tell me sir. Yes sir. वो आदित्य केस के जो एविडेंस हैं वो कहाँ हैं? सर वो सब कुछ आपकी पर्सनल डिपार्टमेंटल आईडी में होंगे सर। ओ। वो बैंक मैनेजर, मेरे पापा के फुटेज भी इसी में हैं? Yes sir। इसकी एक कॉपी बैंक में भी होगी ना? नहीं सर, डिलीट करने के लिए बोला था इसलिए उन लोगों ने डिलीट किया होगा। सेफ्टी के लिए कॉपी आपकी पर्सनल आईडी में है सर। मैंने ही डिलीट करने के लिए कहा था। मेरी डिपार्टमेंटल आईडी ओपन करो सर। और करो। सर योर पासवर्ड। पासवर्ड? ये तो उसको ही मालूम होगा ना। ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। हम लोग इवनिंग पार्टी में मिलते हैं सर। पार्टी में? कौन सी पार्टी? सर आप ही तो इस साल के बेस्ट पुलिसमैन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। कमिश्नर सर ने आपके लिए ही पार्टी अरेंज की है। तुम भी वहाँ आओगी ना छमिया? सर तुम भी आओगी ना? ऑफ कोर्स यस। वहाँ हम दोनों मिलकर मस्त पार्टी मनाएंगे ना? ओके सर, श्योर सर, आई विल सी यू देयर सर। सी यू। हे, हे, गार्ड्स, सुंदर, चेरियन, हे, रामानुजम, रामानुजम, खोलो मुझे, अंदर क्यों रखा है, पागल हो गए हो क्या? एक्यूज्ड मुजरिम, तू मुझे मेरे नाम से बुला रहा है, तोड़ डालूंगा तुझे। Best police officer of the year.
खूबसूरत भला कौन है सर? क्या सर, इसी से तो आप शादी करने वाले हैं। मैं तो यहाँ बदला लेने के लिए आया था, क्या पता था कि ऐसा। हाँ बहुत अच्छा था। ओके, ये वो है जिसे इंसान ने बनाया और उधर भगवान की बनाई हुई अप्सरा। ये छोड़ूंगा तभी तो वो मिलेगी। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चांद। चांद? हाँ। कहाँ? यहाँ। ठीक है। आज चांद पूर्णिमा है ना? ठीक है। पूर्णिमा वाले दिन ब्लड पंपिंग ज्यादा होती है, एक डॉक्टर ने बताया था। ओह, ब्लड पंपिंग ज्यादा होने से क्या होगा? वो जो है एक टाइप की, कैसे बताऊं, कुछ सनसनाहट सी हुई। ये क्या कर रहे हो? अपना हाथ उधर रखो। ए कामिनी, वो उधर है, वो नकली है, मुझे फ्रेश चाहिए। ठीक है। ए सेफ्टी फर्स्ट। मैं कुछ करूं क्या? विक्रम प्लीज, विक्रम ये क्या कर रहे हो? विक्रम जाओ उधर, विक्रम पागल हो गए हो क्या? विक्रम ये क्या कर रहे हो तुम? चलो आराम से, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तेरा घर है क्या? अरे तेरी फैमिली है। क्या कर रहे हो? चलो चलो आगे बैठो, आराम से तुम बैठो, मैं आती हूँ। क्या कमर है? दिल तो रहा है, इसे भी बाहों में भर लो। बेस्ट मैन ऑफ द ईयर।
तुम आ रही हो, मैं भी आता हूँ, तो तुम आ रही हो ना? आ रही हो ना? विक्रम, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे, विक्रम, छोड़ो मुझे। सपना था क्या? पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो। सपने में ये क्यों आई? बहुत दारू पी ली है, खाली पेट सोना नहीं चाहिए। चलो मुंह खोलो, आ आ। कितनी ही लड़कियों से मिल चुका हूँ मैं, पर किसी ने मुझे इतने प्यार से नहीं खिलाया। क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रहे हो तुम? मैं रो रहा हूँ क्या? हाँ। ये मेरी नई दुनिया की फीलिंग्स। अच्छा फील कर रहे हो ना? चलो चलो, अब ये फील भी बहुत हो गया, चलो लेट जाओ। चलो लेटो, अब आंखें बंद करो और सो जाओ। ओके, गुड नाइट। बहुत इमोशनल कर गई ना तुझे, तू रो क्यों रहा है? तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई इसलिए रो रहा है, या वो दही चावल खिला के गई इसलिए? तेरी शादी नहीं हुई इसलिए रो रहा है ना? क्यों? बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा तू। इन सब चक्करों में मत पड़, ओके? स्टडी। कल कर दूंगा, जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई। बच ना सका कोई, हाथ मेरे इतने लंबे हैं। उसके बाद क्या कहा था? हाँ, अब क्या बोलता है कुत्ते? जब मैंने अपने चेहरे को आईने में देखा तो मुझे तेरा चेहरा नजर आया। बहुत अच्छा है। रिलैक्स, रिलैक्स। क्या कहा था तूने? अब हमें कैसे रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। नाराज होकर क्या फायदा? खेल खत्म हो गया। आखिरी में क्या हुआ? मुझे जेल में रहना चाहिए था, आज मैं बाहर हूं, और तुझे बाहर रहना चाहिए था, तू अंदर। पार्टनर, पता है बाहर मुझे कितनी इज्जत मिल रही? Hey, आदित्य, तू गलत रास्ते पर जा रहा है। ओवर इमोशनल मत हो, मेरे फेस को सूट नहीं करता। हाँ, मैं तो भूल गया था, मैं तुझे एक पिक्चर दिखाता हूँ। मैं असिस्टेंट कमिश्नर विक्रम बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का बयान है। मेरे पापा जो गलत काम करते थे, बैंक से पैसा चोरी करते हुए पकड़े गए। मैं उनको किसी भी तरह बचाना चाहता था, इसलिए मैंने आदित्य के ऊपर इल्जाम लगाकर चोरी किया हुआ पैसा उसकी गाड़ी में रखकर फेक एविडेंस बनाए, उसके आधार पर आदित्य को अरेस्ट करवाया और पापा को छुड़वाया। पुलिस वाला होने के नाते जो गुनाह मुझे नहीं करना चाहिए था वो भी मैंने किया। आदित्य एक शरीफ और अच्छा आदमी है। कैसी है पिक्चर? ये पिक्चर तू ही रिलीज करने वाला है? तू नहीं है, मैं हूं। पिक्चर रिलीज हो जाएगी तो मैं अंदर चला आऊंगा। मैं का मतलब मैं नहीं, तू है। उसके बाद क्या होगा? जिस डिपार्टमेंट ने तुम्हें बेस्ट पुलिस का अवार्ड दिया है वही वेस्ट पुलिस कहकर तुझ पर थूकेगी। बाप को बचाने के लिए निर्दोष को फंसाने वाला एसी, ये कहकर पूरा का पूरा गांव तुझ पर थूकेगा और तेरे बाप को खींचकर जेल में डाल दिया जाएगा। बाद में मैं, यानी मेरी आत्मा मेरे शरीर में और तेरी आत्मा तेरे शरीर में आ जाएगी। तेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा और तू फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेगा, और मैं राजा बनकर राज करूंगा। हेलो, असिस्टेंट कमिश्नर विक्रम स्पीकिंग। हेलो, मैं महा बोल रही हूँ। हे महा बेबी। विक्रम कब तक जल्दी आ जाऊंगा? हे महा, वो मैं नहीं हूँ, वो विक्रम है। क्या हो रहा है वहाँ? मैं बिजी हूँ। महा, महा, मुझे लगता था सिंसियर ऑफिसर की तरह तू सिर्फ ड्यूटी करता है, पर तूने तो ब्यूटी भी फंसा रखी है। जानू जानू कहकर मेरे पीछे घूमती रहती है, पर लगता है अभी तक तूने कुछ किया नहीं है। तू क्या चाहता है कि अब तेरे हिस्से के काम मैं करता फिरूं? चल ठीक है, तेरे लिए कर दूं। hey! चिल्लाकर किसी और को डराना। hey! आदित्य, तेरी दुश्मनी मुझसे है, उसको कुछ मत करना। तू मेरे फ्रेंड होने की एक्टिंग कर सकता है, मैं उसके मंगेतर होने की एक्टिंग नहीं कर सकता। एक राजा की तरह जी रहा था मैं, तूने बेमतलब बीच में आकर टांग क्यों अड़ाई?
तू कौन है ये मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। अरे मरने की बातें मरने के बाद करेंगे, अभी जिंदगी बाहों में भरने के लिए वेट कर रही है, उसके पास जाऊं। नहीं विक्रम हूं। सबको बेवकूफ बना रहा है ना तू, पर मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। पागल हो गया है क्या? मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? तू तो मेरा नेचर जानता है ना। जब तू पुलिस में था तो एक आदमी को बिना लाइसेंस के तूने पकड़ा था, उसने दी तो तूने उसे मारा, वो तेरा वॉकी टॉकी उठाकर भाग गया। तू सस्पेंड ना हो जाए इसलिए मैंने उसे ढूंढ निकाला और तेरा वॉकी टॉकी लेकर वापस आया। ये सब मुझे कैसे पता? मेरे इतना बताने पर भी तुझे भरोसा नहीं तो मार मुझे, मारना, मार। सबको बेवकूफ बनाया उसने। प्रसाद की मां मेरी मां जैसी है, अब उसको दोबारा चेहरा कैसे दिखा पाऊंगा? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब आगे वो क्या करने वाला है पता नहीं। हम यहां रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सबको बचाना है सत्या तो यहां से बाहर जाना ही होगा। विक्रम बोल रहा हूँ, जो कुछ बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हारे साथ जो है वो मैं नहीं आदित्य है। तुम वहाँ सेफ नहीं हो, जितनी जल्दी हो सके तुम वहाँ से निकल जाओ। ए, कौन हो तुम? स्टुपिड। विक्रम, मैं विक्रम। हेलो। मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, तुम्हारे साथ जो है वो आदित्य है। पागलों जैसा बड़बड़ा रहा है। महालक्ष्मी, हेलो हेलो मां, हेलो। सर मेहरबानी करके फोन मत काटिएगा। सर मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। कौन बोल रहा है? मैं विक्रम बोल रहा हूँ सर, असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में। डिपार्टमेंट में जो है वो मैं नहीं हूँ सर, आदित्य है। सर सर हाँ ठीक है बोलो। उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते सर। उसी शक्ति के कारण वो सबके शरीर में घुसकर सबको लूट रहा है। वैसे ही वो मेरे शरीर में घुसकर मेरी जैसी एक्टिंग कर रहा है सर। मेरी बात पे यकीन कीजिए सर, प्लीज यू मस्ट बिलीव मी सर। मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूँ सर। आपकी बेटी जब लापता हो गई थी तो मैंने उसे ढूंढा था। टेररिस्ट को पकड़ने के लिए आपने मुझे अलर्ट किया था सर।
सर ऑपरेशन ब्लू मून, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन सारे ऑपरेशन के सीक्रेट्स मुझे सब पता है सर। पिल्लनी मलाई में एक आदमी था भोगल, उसने एक मंत्र लिखा था जिसमें असीम शक्ति है। आदित्य को वही मंत्र मिला है। पुलिस वालों को बर्खास्त करके चार तांत्रिकों को ले आइए, उन्हें काम पर लगा दीजिए, सारे क्रिमिनल पकड़ जाएंगे। सर सर मैं जो कह रहा हूँ आप सुन रहे ना सर? हाँ? सर प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए सर। पहले ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मिस्टर चेरियन ने मुझे वो सारी डिटेल बता दी है, समझे? ठीक है। अच्छा इस समय तुम कहाँ पर हो? सर मैं जेल से भाग गया हूँ, डिपार्टमेंट मुझे ढूंढ रही है, इसीलिए आपसे मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा करो तुम खुद को अरेस्ट करवाने के लिए कमिश्नर ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ओके सर, ऑन माय वे। ओपन हो गया कि नहीं? सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है सर, इसलिए ओपन होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। सर प्लीज आप ऑफिस में जाकर थोड़ा वेट कर लीजिए, ओपन होते ही आपको इन्फॉर्म करता हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू पहले ओपन कर, पहले ये हिलाना बंद कर। हिलाना बंद नहीं करेगा ना आदित्य? ए, तुम्हारा नाम आदित्य नहीं ना? सर किशोर। किशोर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर अपनी डिपार्टमेंटल आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं, उसी को रीसेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तुम अपना काम करो। क्या विक्रम? हाँ। तुम्हारा पासवर्ड और तुम ही भूल गए? लास्ट टाइम उसमें थोड़ा चेंज किया था ना, इसलिए। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, वो वेलेचेरी ऑपरेशन में एनकाउंटर का नाम क्या रखा था? वेलेचेरी ऑपरेशन, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। उस टीम में कौन कौन था तुम्हें याद है? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? टीम के लोगों से पूछोगे तभी पता चलेगा ना। हमारी टीम में सभी लोग थे सर, सभी थे। अक्षरा उस ऑपरेशन में नहीं थी। क्या हुआ तुम्हें, कुछ भी याद नहीं है? उठाओ बोलो। सर आदित्य जेल से भाग गया है, आपको इन्फॉर्म करने के लिए कब से ट्राई कर रहा था, आपका फोन नॉट रीचेबल था सर। सर ओपन हो गया। सर जी अब मैं आपको लॉक कर दूं? हेलो सर, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सर, लेकिन जो तुम सुनाना चाहते हो वो सुनने के लिए कमिश्नर जिंदा नहीं है। उनको क्यों फोन किया तूने? बिना वजह एक अच्छे ऑफिसर की जान चली गई तेरे कारण। अच्छा तू जेल से भागा कैसे? मैं तो तेरे बाप को ही अंदर भेजने की तैयारी कर रहा था, पर डिपार्टमेंट उन्हें बाइज्जत बरी करने वाला था ना। समझ में नहीं आ रहा। किसी को भी खबर ना हो ऐसी जगह छिपा कर रखा था ना, वो एविडेंस ढूंढ लिया है पार्टनर। तूने आईफोन में अपनी कहानी रिकॉर्ड की थी ना, आई क्लाउड से मैंने डाउनलोड कर लिया है, अब वो वीडियो बाहर रिलीज होगी और तू बहुत जल्द अंदर जाएगा। तो विक्रम बनकर अंदर रहेगा, मैं आदित्य बनकर बाहर, तुझे जो करना है कर ले। ए, जिसे तू प्यार करता है ना वो महालक्ष्मी मेरे पास है। गुड लक पार्टनर। वो डर नहीं रहा है, वो जब तक मेरे हाथ में लगेगा मैं अपने शरीर में नहीं जा सकता। वो शरीर मुझे कैसे भी चाहिए, वो महालक्ष्मी ने। महा ए, कौन है? बेवकूफी मत करना, बता देता हूं। छोड़ दो मुझे। ए कहा ना, छोड़ दो। डर गए ना?
पागल हो गई हो क्या? डर गए बुरी तरह डर गए। क्या है ये सब? मैं जब से इस घर में आई हूँ तुमने एक भी दिन सुकून से खाना नहीं खाया है, पर आज की शेफ मैं हूँ, तो आओ मेरी जान मेहरबान तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीट। कम नो अच्छा लगा सर, आपका दिया हुआ नंबर ट्रेस नहीं हो रहा है। पर आपके घर का लैंडलाइन फोन ट्रेस हुआ है। लगता है मेरे सीक्रेट्स खुल चुके हैं, इसीलिए इसने कैंडल लाइट डिनर की तैयारी की है। जरूर उसी ने इसे फोन पर बताया होगा। कहीं इसने खाने में कुछ मिलाया तो नहीं? हाँ, लो। थोड़ी सब्जी वो वाली। खाओ ना। मुझे ही खिलाती रहोगी क्या? तुम भी खाओ ना। नहीं ठीक है। अभी भी खा रही है, निगलेगी कि नहीं? वेट कर रही है, वेट कर रही है, निगल लिया इसने। मैं बेकार ही इस पर शक कर रहा था। हाँ विक्रम, तुम्हें कुछ बताना था। आज एक आदमी का फोन आया था, वो बोल रहा था कि मैं विक्रम हूँ और तुम्हारे साथ जो है वो आदित्य है। तो फिर तुमने उससे क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे क्या कहा होगा? बोलो। पता नहीं बेबी। मैं कौन हूँ? असिस्टेंट कमिश्नर की होने वाली वाइफ। ऐसा बोलकर फोन काट दिया। स्मार्ट राइट? वेरी स्मार्ट बेबी। वो बहुत खतरनाक अपराधी है। मेरी दुश्मनी तुमसे निकालने की कोशिश कर रहा था। सपोज वो मेरे पीछे तुम्हारे पास आ गया तो क्या करोगे? वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। वो सब मैं इजीली हैंडल कर सकती। पर कैसे देख लोगी? अभी तो मुझ पे अटैक करके बताओ तो। पर कहीं उसने तुम्हें गलत जगह मार दिया बेबी। मैं तो बस अटैक कर रही थी, पर तुम्हें तो ब्लॉक करना चाहिए था ना। तुमने खुद ही ब्लॉक नहीं किया और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। बताना चाहिए था ना, ये फाइटिंग क्वीन है, जान ही निकल गई। सॉरी विक्रम, मैंने बिना देखे। यहाँ क्यों मारा? ठीक है, गले लग जाओ। नो नहीं। ओके ओके ओके, तुम आराम करो। हाँ हेलो सर, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। जेल से भागे हुए आदित्य को अन्ना नगर के पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने पकड़ रखा है, ऐसी खबर मिली है। अब जल्दी आ जाइए। आता हूँ। महा, कैसी हो महा? महा मैं विक्रम हूँ महा। वो जो तुम्हारे साथ है वो मैं नहीं, वो आदित्य है महा। महा उसने मेरा सब कुछ बदल दिया है महा, मेरा यकीन करो। वो तुमसे झूठ बोल रहा है महा। मैं विक्रम हूँ, मेरे साथ। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना। प्लीज प्लीज महा, मैं तुम्हारे साथ कुछ क्यों करूंगा? मैं तो विक्रम हूँ, मैं हूँ महा। महा प्लीज मेरा यकीन करो महा, वो तुम्हें कुछ कर देगा, मेरे साथ चलो महा। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं विक्रम हूँ महा। अगर
अगर उसने सब कुछ बदल दिया तो सब 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 बर्बाद हो जाएगा वहां। सॉरी सॉरी मां, सॉरी मां, मेरा यकीन करो, मेरे पास मत आना। विक्रम मां, दूर रहो मां, मैं सच बोल रहा हूं। मां, दरवाजा खोलो मां, प्लीज। बेबी विक्रम, वो आदित्य यहाँ आ गया है। ये बताओ अभी तुम कहाँ हो? मैं रूम के अंदर हूँ, वो बाहर है। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ विक्रम। तुम बाहर मत निकलना, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। विक्रम प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी मैं आ रहा से। विक्रम, विक्रम, वहाँ आया था विक्रम, वो कह रहा था कि वो तुम हो, तुम वो है, पता नहीं क्या बकवास कर रहा था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। वो कह रहा था कि तुमने उसे कुछ करके बदल दिया है और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था वो, और फिर डर के मारे मैंने उसे शूट कर दिया। वो मर गया क्या? बोलो मर गया? नहीं नहीं नहीं, वो मरा नहीं, इधर हाथ पे लगी उसे, इधर गोली लगी है हाथ पे। यही पर ना? हाँ। यही ना, और वो बचकर निकल गया ना? तो वो बच के भाग गया। मैं उसे मारूंगा, हाँ मैं उसे मारूंगा। उसने जो भी कहा तुम उसे अपने दिमाग से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो, मैं उसे मारूंगा। और अक्षरा सर। हाँ हाँ अक्षरा, तुम एक काम करो, डिपार्टमेंट में फोन करके बोलो सिक्योरिटी टाइट कर दे, और 10-15 हवलदार लगाने के लिए कहो। ओके सर। और वो तुम समझ गई ना? यस सर। हाँ, उसके हाथ में गोली लगी है तो आसपास के हॉस्पिटल में ही गया होगा, तो इस एरिया में जितने भी हॉस्पिटल हैं सबको चेक करना होगा, ठीक है ना? श्योर सर। बेबी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। ध्यान से विक्रम। चलो तुम गाड़ी चलाओ। अक्षरा, मैं सत्या बोल रहा हूँ। सत्या, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, और बीच में मत बोलना। जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो विक्रम नहीं है, वो आदित्य है। आदित्य ही विक्रम है, ये बात सारे डिपार्टमेंट वालों को बता दो। अक्षरा, मैं जो कह रहा हूं तुम समझ गई ना? लगता है मेरा टाइम ही खराब चल रहा है, किसी अच्छे जोशी को दिखाना पड़ेगा। सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? लैपटॉप सेक्शन प्लीज। लैपटॉप दैट वे सर। थैंक यू। पहले ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर चेरियन ने डिटेल में मुझे सब कुछ बता दिया था। हम लोगों को रिसर्च के जरिए मालूम चला था, और उससे जो भी रिसर्च हुई उसके बारे में शिल्पकार तामपत्र में लिख रहे थे, क्योंकि वो भविष्य में बहुत काम आती है, और तामपत्र का एक मुख्य भाग पल्लनी मलाई के पहाड़ के नीचे दबा पड़ा है। हम लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसीलिए हमने वहां कैंप किया था। प्रोफेसर चेरियन फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू। शिकार खुद ही जाल में फंस गया। सर, आई एम सॉरी टू से दिस, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सर? मैं उस आदित्य के बारे में कमिश्नर के पास कंप्लेंट लिखा कर गया था। मैं दिल्ली से वापस आया तो पता चला कि कमिश्नर फायर एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। सर, आदित्य जेल से भाग गया है और वो बहुत ही खतरनाक है सर, प्लीज उसे फौरन अरेस्ट कीजिए और उसे
एक्सक्यूज मी, चेरियन हियर। सर मैं असिस्टेंट कमिश्नर विक्रम बोल रहा हूँ, एक केस के सिलसिले में आपसे मिलना है। असिस्टेंट कमिश्नर विक्रम? यस सर। सर आप ही हैं ना असिस्टेंट कमिश्नर विक्रम? ओह सॉरी सर, कोई दूसरा मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर के नाम से बात कर रहा है। तो प्रोफेसर तक पहुंच गया वो। कीजिए बात। या हाँ बोलो। सर आपने कमिश्नर से मिलकर आदित्य के बारे में बताया था क्या? हाँ। आप दोनों के मिलने के बाद आदित्य ने उन्हें मार दिया सर। व्हाट? मार दिया? हाँ सर। एक केस के दौरान मैंने उसे अरेस्ट किया, तभी मैंने जान लिया कि उसके पास कोई पावर है। पावर? हाँ सर। उसके पास जो पावर है उससे वो किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। अभी वो मेरे शरीर में है। सर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रिसर्च बजट के बारे में पेपर पढ़ा था, जिसमें भोगन और ताम्र पत्र के बारे में बताया गया था, और आपने भी कमिश्नर साहब को इसी के बारे में बताया था। मुझे लगता है वो किसी तरह आदित्य के हाथ लग गया होगा और उसने ये सब कुछ उसी ताम्र पत्र से सीखा होगा, इससे पहले कि वो तबाही मचाए। उसे हर हाल में रोकना ही होगा सर। वो कहाँ है मुझे पता है सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए सर। सर यू आर माई ओनली होप, प्लीज सर। ओके कहाँ मिलना है? आज 11 बजे स्काई मॉल के पास। मैं वहीं आपका इंतजार करूंगा सर। वेट फॉर यू। सॉरी। प्रोफेसर सर आप एक बात भूल गए, आपका असिस्टेंट आदित्य विक्रम हमेशा से यही करता है, सबको फोन करके ऊपर पहुंचा देता है, पहले कमिश्नर अब आपको। क्यों आदित्य तेरा पावर निकल गया क्या? हाँ नीचे रखो से, नीचे डालो से। क्यों? मुझे 30 साल लग गए उस ताम पत्र को ढूंढते 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 ढूंढते, और तू आसानी से चुरा के भाग गया। हाँ? वो पावर अगर मुझे मिलती तो सीएम पीएम ही क्यों, अमेरिकन प्रेसिडेंट के शरीर में घुसकर पूरी दुनिया हिला डालता, और तू एक पुलिस वाले के शरीर में घुसकर चोरी करके बेइज्जत हो गया, हार गया। ची 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 ची। घूर क्यों रहा है? मारेगा मुझे क्यों आदित्य? आदित्य तेरी शक्ति कैसे काम करेगी? दूसरे से पहले अपने शरीर में जाएगा, तू ही तीसरे में जाएगा ना, डायरेक्ट इस शरीर से तू किसी और में नहीं जा सकता है। अब तेरा पावर 0। आदित्य तुझे तेरा शरीर चाहिए और वो पाने का रास्ता मैं हूं, बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है? विक्रम मुझ पर भरोसा कर रहा है, मैं जाऊंगा तो ही वो आएगा, उसके बाद अपना शरीर ले ले और ताम पत्र मुझे दे दे। ए, मुझे ऑफर दे रहा है? मैं जो दे रहा हूँ वो ऑफर नहीं, लाइफ पावर है। अभी मांगता है तो ले ले, वरना छोड़ दे। आई केयर डैम। ओ कम ऑन, व्हाई देयर इज नॉट अ वे, स्ट्राइक द डील। उसे मेरे हाथ में तो आने दे, उसे मारकर तुझे मारूंगा, मुझसे डील की बात करता है। डन, दैट्स द स्पिरिट। हेलो सर, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, क्या हमारी बातें किसी और ने सुनी थी? नहीं तो क्यों? सर वो मॉल से बात कर रहा है। ए इडियट्स, वो मॉल के अंदर से ही बात कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग, जाकर पकड़ो उसे। सर रुके सर, उसको फॉलो करो। यहाँ चारों तरफ पुलिस का घेरा है। पुलिस? मैं बाद में बात करता हूँ। सर लाइन कट गई सर। ए तू ट्राई कर, ट्राई कर। अच्छा मुझसे डील करके मेरे पीछे पुलिस भेज कर मुझे ही फॉलो कर रहा है। Thank you.
ए? हेलो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। आपके राइट में एक्सीलेटर है। सर, प्रोफेसर के नंबर पर कॉल नहीं आया है, वो किसी दूसरे नंबर से बात कर रहा है। क्या नंबर है? कीप गोइंग सर। तुम प्रोफेसर, ए, वो एक्सीलरेटर पे जा रहा है। पकड़ो उसे। फॉलो करो। सेकंड फ्लोर पर। ओके सर। मुझे दोनों चाहिए। जी सर। एंट्री एग्जिट हर जगह पर कैमरे पर नजर रखो, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। कंप्लीट वॉच करो। मैं एक्सीलरेटर से नीचे आ रहा हूँ सर। सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर। सर, इसमें 1000 से ज्यादा नंबर सेव हो गए हैं, इसमें वो एक नंबर ढूंढना बहुत मुश्किल है। कीप वॉकिंग स्ट्रेट सर। सर, मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए सर। वहां से सीधा आगे बढ़ते रहिए, वहीं पास में प्राइमा शोरूम है। उसे पीछे से फॉलो करो। मैं उसी शोरूम के सामने। ए, ज्यादा करीब मत जाओ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं। कॉटन प्रिया के डायरेक्शन में आइए अभी। आप चलते रहिए, मैं आपके पीछे आ रहा हूं। दे थिंक दे हैव कवर्ड सर। कोट उतार लीजिए, मुड़कर कोट को नीचे रख लीजिए। लेफ्ट में आइए, लेफ्ट में सर। यस। सर, प्रोफेसर नहीं दिख रहे सर। व्हाट इज हैपनिंग? मैं आपकी मदद कर रहा था और आपके लोग मुझे ही भगा रहे थे। देखिए, आप दोनों के झगड़े में मुझे मत शामिल कीजिए। जस्ट लीव मी अलोन। सर, वो आदमी अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकता है, मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए सर, प्लीज। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? मुझे अपने शरीर में वापस जाना है, कोई रास्ता बताइए सर। इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, अगर वो चाहेगा तो ही होगा। लेकिन वो ताम्रपत्र मिला तो उसे हाथ में रख के कुछ भी कर सकते हैं। सर, वो ताम्रपत्र तो कमिश्नर के ऑफिस में है, मैं जाकर। तू वहां नहीं जा सकता। वैसे ही पुलिस तुझे ढूंढ रही है, सोच रहा हूँ कि मैं ही चला जाऊं, मगर कैसे। सर, आपसे होगा सर, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। सर, मैं प्रोफेसर चेरियन बोल रहा हूँ। आदित्य ने शॉपिंग मॉल में मुझे किडनैप किया था, मैं वहाँ से बच कर आ गया। आदित्य एक शरीर से दूसरे शरीर और दूसरे से ऐसा ही कुछ कह रहा था। सर, मुझे आपसे तुरंत मिलना है। ऐसा मुझसे वो तुझे बोलने के लिए कहा? बताओ। मुझसे डील करके मेरे पीछे पुलिस भेजा, क्यों? कमिश्नर ऑफिस में हो क्या? अब क्या करूं सर, सिचुएशन ही ऐसी थी। लिसन आदित्य, सारे पुलिस वाले उसे पकड़ने आए हैं, ये तुम भी जानते हो। बट वो मुझ पर ही विश्वास करता है। इसके अलावा अगर तुम कुछ और करते हो तो दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला। सॉरी सर, सॉरी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। कहां हूं अभी? मैं कमिश्नर ऑफिस में हूं सर। तुम फौरन निकलकर ECR ऑफिस पहुंचो। सर, तुझे एक काम करना है, मेरी गाड़ी में बैठ और गाड़ी लेकर तेजी से बाहर चला जा। सर, वहां जाऊं सर? तेरी गर्लफ्रेंड को लेकर ECR जा और 4 बजे तक वापस आ जा। सर, जो कहा है वो कर। विक्रम, आदित्य निकल गया, अब क्या करना है? अपना ब्लूटूथ कान में लगाइए, अपनी गर्दन में आईडी कार्ड पहन लीजिए और रिसेप्शन पे जाइए। सर्वर मेंटेनेंस की गाड़ी आई है। अपडेट करने का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं आया सर। वो वेट अ मिनट, मैं कंफर्म करती हूं। अरे मैडम, मेरा काम भी करवाएंगी? अरे कितने दिन से चक्कर काट रही हूँ मैं। उसके पास जाकर जैसा बोलता हूँ वैसा। आपके बेटे को गिरने से चोट लगी थी ना, अभी वो कैसा है? हाँ, अब वो ठीक है सर, स्कूल जाने लगा है। अच्छा, अपना आई कार्ड दीजिए सर। मैडम, मेरा बात सुनेंगी आप? सर्विस सेंटर सीधे जाकर राइट मिल जाएगी सर। अब आप सीधे जाइए, टेक अ राइट। विक्रम, अभी मैं गार्डन में चल रहा हूँ। बिना किसी डर के जाइए सर। सर, किसे मिलना है सर? सर, अपना विजिटर पास दिखाइए। सर्वर मेंटेनेंस के लिए। सर, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। ओके सर, इनको कंट्रोल रूम में ले जाओ। सर, हाँ? आपने बुलाया क्या सर? जा। सर, सर्वर मेंटेनेंस के लिए आए। हेलो सर। हेलो सर। उनको बोलिए 15 मिनट तक कोई भी सिस्टम सर्वर काम नहीं करेगा। सर, 15 मिनट तक कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा, इसीलिए आप सभी को स्मॉल ब्रेक दे दीजिए। 15 मिनट में हो जाएगा ना? ये सर, लिसन, अभी 15 मिनट तक कोई भी सर्वर काम नहीं करेगा, इसलिए 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ओके सर। ओके सर। ओके सर। सभी चले गए वहां से। हाँ, वहां एक सिस्टम पर बैठ जाइए सर और जैसा मैं बोलूं फॉलो कीजिए।
राइट कॉर्नर में टैग वाला ऑप्शन है, उसे ओपन करेंगे तो 2016 का फोल्डर दिखेगा, उसमें ही फुटेज मिलेगा। एक मिनट विक्रम, फुटेज निकल रहा है। अब आप मॉर्निंग 10:45 एंट्री कीजिए। राइट में कैमरे का एक ऑप्शन है जिसमें आप कैमरा नंबर 67। ओपन हो गया विक्रम, अब मुझे फेस टाइम से कॉल कीजिए। विक्रम, इनमें से प्रसाद कौन है समझ में नहीं आ रहा। सर, ये जो आ रहा है ये प्रसाद है। बार में सर, रिकॉर्ड रूम में ही वो ताम्र पत्र है। जाते समय वो एविडेंस के साथ गया था, आते वक्त खाली हाथ आया। सर, आपको कैसे भी करके रिकॉर्ड रूम में जाना होगा। सर, रिकॉर्ड रूम फर्स्ट फ्लोर पर है, वहीं पर आपको ताम्रपत्र मिलेगा। सर, कहाँ ढूंढूं? विक्रम, मैं रिकॉर्ड रूम में हूँ, यहाँ कोई भी एविडेंस नहीं दिख रहा। सर, आराम से ढूंढिए, वहीं पर होगा। इट कांट बी विक्रम, अब कहाँ ढूंढूं? इस जगह पर ताम्रपत्र नहीं हो सकता। वो ताम्रपत्र वहीं पर है सर। लेकिन है कहाँ? अच्छे से ढूंढिए सर। कब तक ढूंढता रहूंगा विक्रम, टाइम वेस्ट हो रहा है। वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ है। ऐसे क्या देख रहे हो मिस्टर प्रेसिडेंट? खुद ही कहा था ना, अगर ये पावर तुम्हारे पास होती तो तुम सीएम, पीएम या अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी के भी शरीर में जा सकते थे। पता है मैंने ये सब क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रेसिडेंट के काम में बहुत टेंशन होता है। विक्रम, सॉरी आदित्य, अपने डील के मुताबिक मैं उसे लेके आ गया हूँ और वो वहाँ कार में बैठा है। तू उसे ले जा और ये ताम्र पत्र मुझे दे दे। कम ऑन, दे दे। थैंक यू। ये जल्दबाजी मुझे अच्छी नहीं लगती। पार्टनर, मैं जानता हूं तुम्हारा जो ओल्ड पार्टनर है वो अब तुम्हारे पास ऊपर नहीं आ पाएगा। हाँ, मैंने एक इमोशनल पिक्चर बनाई है, उसे तुम्हारे पास भेजता हूँ, उसे देख लो, उसके बाद फैसला करना कि तुम्हें ऊपर आना है या नहीं। हाँ? हेलो, कौन है लाइन पे आओ, कॉरिडोर में जा रहा है, उसे जिंदा पकड़ना है। ए, मैंने कहा था ना उसे शूट मत करना। पापा, मैं आ गया पापा, देखिए मैं हूं विक्रम। पापा, हेलो, कंट्रोल रूम, कमिश्नर ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में मेडिकल टीम भेजिए। यहां पर असिस्टेंट कमिश्नर विक्रम के पिता घायल हैं। पिस्तौल नीचे फेंको, फेंको। चलो। सर, आदित्य को पकड़ लिया है सर, अब क्या करना है? तुम लोग उस
उसे लेकर के कंट्रोल रूम में आओ। चलो। पार्टनर पार्टनर स्वीटहार्ट। ए, क्या कर रहा है? लॉक क्यों कर रहा है? पार्टनर ये क्या है? C4, ये फटेगा और हम दोनों मरेंगे। ए, पहले से निकालो। ए, पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है, जैसे ही तूने गलत पासवर्ड डाला वैसे ही ये बम ऑटोमेटिक फट जाएगा। सो बी केयरफुल, अब यहाँ से तू तभी जाएगा जब मैं चाहूंगा। यही मार डालूंगा तुझे। देखो मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा, तेरी आत्मा तेरे अंदर डाल देता हूँ। और क्या चाहिए तुझे, मैं मरू या मैं जेल में जाऊं? जा रहा हूं। तुझे यही चाहिए ना, सब एविडेंस हैं। हो गया, रख ले। ए ए ए क्या कर रहा है? ए ए ए तुझे एविडेंस चाहिए ना, वो दे दिया ना, अब क्या कर रहा है? ए दरवाजा खोल, टाइम पास क्यों कर रहा है? जल्दी से बॉम्ब को डिस्पोज कर। ए कोई है क्या? दरवाजा खोलो। तुझसे कहा ना बॉम्ब डिस्पोज कर। ए मुझे क्यों पकड़ रहा है? बैठ जा। कहाँ है ताम्रपत्र? वो ताम्रपत्र मेरे पास नहीं है। सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, उससे पहले मुझे मेरे शरीर में जाना है, बेहोश होकर होश में आने के बाद बॉम्ब डिफ्यूज भी करना है, नहीं तो क्या होगा तू अच्छी तरह से जानता है। टाइम जा रहा है। विक्रम, 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 टाइम जा रहा है, इसे डिफ्यूज कर। टाइम जा रहा है, उठ, 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 इसे डिफ्यूज कर, डिफ्यूज कर इसे। टाइम जा रहा है, डिफ्यूज कर इसे, डिफ्यूज, 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 डिफ्यूज कर इसे, डिफ्यूज, जल्दी, डिफ्यूज कर इसे, विक्रम, डिफ्यूज, क्या कर रहा है? उठ, विक्रम, डिफ्यूज, इसे डिफ्यूज कर। गेट पे गो, सब लोग पीछे हट जाओ, हट जाओ, कोई आसपास नहीं रहेगा। पापा, मैं विक्रम हूं पापा। कौन है तेरा बाप? तेरे बाप पापा, Oh!
रहा है हाँ? काट के मार डालूं क्या? जा बम डिफ्यूज कर जा। ओ तुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए क्या? हाँ ओके ठीक है अभी नहीं जाएगा हाँ? हाँ? जा 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 बम डिफ्यूज कर जा विक्रम जाना जा डिफ्यूज कर बम को जल्दी। ताम्रपत्र और पेन ड्राइव मुझे दे। थैंक्स पार्टनर। इसके लिए आया ना मुझे मारने के लिए सोच रहा था क्या? कोई नहीं मार सकता मुझे, अमर हूं मैं। Ah!